गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड हैप्पी स्टूडेंट्स. स्टूडेंट, दिस इज योर कंप्यूटर क्लास. ये आपकी कंप्यूटर की क्लास है. सो स्टूडेंट्स, लास्ट है हमने चैप्टर स्टार्ट किया था अपना, और हमने अच्छे से पार्ट वन में यहाँ तक अपना 76 पेज नंबर तक हमने अच्छे से इसको रीड आउट कर लिया था. यहाँ तक हमने अच्छे से रीड कर लिया था. आज हम इसे आगे से क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे इसकी. ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स अपना पेज ओपन कीजिए. चलिए पेज नंबर 77 सभी ओपन करेंगे. अब मेरे साथ इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगी और मैं आपको रीड भी कराती रहूँगी और एक्सप्लेन भी करती रहूँगी साथ में. चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम अपना पार्ट टू कंप्यूटर में चैप्टर 8 का. ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको सबसे पहले दिखाई दे रही है, ऊपर आपकी हेडिंग दिखाई दे रही है ना, आपको क्या लिखा है, सिलेक्ट टूल. क्या हेडिंग आ रही है यहाँ, सिलेक्ट टूल. मीन्स सिलेक्ट टूल मतलब सिलेक्ट, किसी भी जहाँ पे हमें बहुत सारे टूल्स दिए होते उसको कैसे सिलेक्ट करना है, वहां पे ऑप्शन आता है सिलेक्ट ऑल टूल का. ठीक है, दिस टूल इज यूज टू सिलेक्ट द एंटायर ड्रॉइंग एरिया एट वंस. टू यूज दिस टूल क्लिक ऑन सिलेक्ट टूल, देन क्लिक ऑन सिलेक्ट ऑल ऑप्शन, द एंटायर ड्रॉइंग एरिया विल बी सिलेक्टेड. इसमें क्या होता है, दिस टूल इज यूज, इस टूल को यूज करते हैं टू सिलेक्ट, सिलेक्ट करने के लिए द एंटायर ड्रॉइंग एरिया. हमारा जो ड्रॉइंग एरिया पेंट प्रोग्राम है हमें मिलता है उसको क्या करने के लिए, उसको इंटायरली क्या करना है, हमें इसको सिलेक्ट करना है एट वंस, एक बार में. उस हमें ड्रॉइंग एरिया को क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं इस क्या से, सिलेक्ट ऑल टूल से. टू यूज दिस टूल, इस यूज को टूल करने, इस टूल को यूज करने के लिए क्लिक, हमें क्लिक करना होता है ऑन सिलेक्ट टूल. सिलेक्ट टूल पर जाकर हमें क्या करना होता है, माउस से क्लिक करना होता है, देन क्लिक ऑन सिलेक्ट ऑल ऑप्शन. उसके जब आप सिलेक्ट टूल को क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, उसके बाद एक और ऑप्शन आएगा सिलेक्ट ऑल ऑप्शन, वहां पर आपको क्लिक करना है, द एंटायर ड्रॉइंग एरिया विल बी सिलेक्टेड. इससे क्या होगा, आपका जो ड्रॉइंग एरिया वो विल बी क्या हो जाएगा, सिलेक्टेड, मतलब वो पूरा ये ड्रॉइंग एरिया आपका सिलेक्ट हो जाएगा. तो ये काम होता है सिलेक्ट ऑल टूल का. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. मोर ऑप्शन टू वर्क विद इमेज. हमें, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, मोर ऑप्शन बहुत सारे विकल्प होते हैं टू वर्क, वर्क करने के लिए विद इमेज, एक इमेज के साथ. मीन्स आपने जो कुछ भी इसमें ड्रॉ किया है, कुछ भी बनाया है, उस इमेज के साथ हम बहुत सारे ऑप्शन को यूज करके बहुत कुछ कर सकते हैं उस इमेज के साथ. तो कैसे कर सकते हैं, हम नीचे पढ़ते हैं. टू द राइट ऑफ द सिलेक्ट टूल, हमारे सिलेक्ट के राइट साइड, You will see थ्री ऑप्शंस. आपको थ्री ऑप्शन क्या दिखाई देंगी, कौन कौन से थ्री ऑप्शन दिखाई देंगे आपको सिलेक्ट टूल के राइट साइड में, क्रॉप, रिसाइज एंड रोटेट और फ्लिप. कौन कौन से ऑप्शन दिखाई देंगे, क्रॉप, क्रॉप कर सकते हैं हम, रिसाइज उसका आकार बदल सकते हैं, एंड रोटेट उसको क्या कर सकते हैं, उस शेप को रोटेट कर सकते हैं, उसको किधर भी घुमा सकते हैं, एंड फ्लिप या फ्लिप कर सकते हैं. ये तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं अपनी इमेज के साथ, ये सारी चीजें आप कर सकते हो, ये सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रॉप की. ठीक है, द टॉप बटन अ डायमंड शेप विद अ लाइन थ्रू इट लेट्स यू क्रॉप योर पिक्चर सो दैट ओनली द सिलेक्टेड एरिया रिमेन्स. दिस हैज रिप्लेस द ओल्ड कॉपी टू ऑप्शन एंड इज ट्रिकी इफ यू वॉन्ट टू सेव कट आउट फ्रॉम आर ड्रॉइंग. तो क्या कहा स्टूडेंट्स इन्होंने, यानी द टॉप बटन, आपके जो टॉप बटन होगा ऊपर वहां पे क्रॉप का ऑप्शन आ रहा होगा डायमंड शेप, एक डायमंड की शेप की तरह, विद अ लाइन थ्रो इट, इसको हम एक लाइन के माध्यम से यूज कर सकते हैं. जैसे आपको यहाँ नीचे स्टूडेंट्स पिक्चर्स में शो हो रहा है ना, देखिए यहाँ आपको शो हो रहा है ना एक लाइन, हमने लाइन ले ली, इसकी इसकी तरह ही हमारा वो यूज हो रहा है. तो ये कह रहे हैं द टॉप बटन, टॉप ऊपर टॉप बटन होता है उसमें टॉप, मतलब टॉप मतलब ऊपर, अ डायमंड शेप, एक डायमंड की शेप की तरह, विद अ लाइन थ्रो इट, हम इसको लाइन के थ्रू यूज कर सकते हैं. लेट्स यू क्रॉप, लेट्स यू क्रॉप योर पिक्चर, आप अपनी पिक्चर को क्रॉप भी कर सकते हैं, सो दैट, ताकि ओनली द सिलेक्टेड एरिया रिमेन, ताकि जो आपका सिलेक्टेड, जो भी आपने एरिया सिलेक्ट किया है वही रहे. दिस हैज रिप्लेस द ओल्ड कॉपी
टू ऑप्शन। इससे क्या होता है, जो आपने सिलेक्ट किया है वही हम उसकी क्या कर लेता है, वो जगह ले लेता है। मीन्स अगर आप सपोज दैट आपके फोन में भी इमेजेस होती है, आप उसको अगर फालतू का एरिया आपको उसे क्रॉप करना होता है तो उसमें एडिट और क्रॉप का ऑप्शन आता है अपने फोन में भी। इसी तरीके से आपके ये पेंट प्रोग्राम में भी होता है। तो आप अगर आप पिक्चर का बहुत सारा पार्ट है, आपको उसको छोटा करना है, उसको क्रॉप करना है, तो आप यहाँ जाकर क्रॉप ऑप्शन में जाकर उसको क्रॉप कर सकते हैं। उसका क्या कर सकते हैं, उसको फालतू का हम उसे कट कर सकते हैं, वो जितनी पिक्चर हमें उसको रखनी उतनी क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, इफ यू वॉन्ट टू सेव कटआउट फॉर्म ड्राइंग, उसको जो आपने कट किया है, जो मतलब आपने क्रॉप किया है, उसको हम क्या कर सकते हैं, अपने ड्राइंग एरिया में जा, आपको इमेज वो आपकी क्या हो जाएगी, सेव भी हो जाएगी, वहीं आपको उसको कटआउट करके वो आपकी सेव भी हो जाएगी। तो ऐसे करते हैं। इफ यू क्लिक द सेव आइकन, अगर आपको क्लिक करना है सेव आइकन पर आफ्टर क्रॉपिंग, आफ्टर क्रॉपिंग मतलब क्रॉप करने के बाद, टू अ सिलेक्शन जो आपने सिलेक्ट किया है, योर लार्ज ड्राइंग पेज विल बी रिप्लेस्ड विद अ कटआउट। आपका जो लार्ज एरिया है, वो जो जो आपका जो पेज का एरिया है, वो रिप्लेस्ड हो जाएगा विद अ कटआउट जो आपने कट किया है उसके साथ। ठीक है, हाउ टू सेव अ कटआउट, आप कैसे कटआउट कर सकते हैं, मतलब कट मतलब आपको अलग करना है, तो इसके भी कुछ स्टेप्स हैं, वन बाय वन रीड करते हैं। फर्स्ट है आपका सेव द पिक्चर यू आर वर्किंग ऑन, आप उसको पिक्चर को सेव कर सकते हैं, यू आर वर्किंग ऑन, जिस पर आप काम कर रहे हैं। सेकंड है सिलेक्ट द पार्ट, आपको सिलेक्ट करना है उस पार्ट को यू वांट टू सेव एज अ कटआउट, आप उस पार्ट को सिलेक्ट करना होता है जिसे आपको कटआउट करके मतलब अलग कट करके रखना होता है उसको सेव। थर्ड है आपका क्लिक द क्रॉप बटन, उसके बाद आपको कहाँ क्लिक करना होता है, क्रॉप बटन पर जाकर क्लिक करना होता है। फोर्थ स्टेप पर गो टू द पेंट बटन एंड ओपन द मेन्यू, उसके बाद आपको पेंट बटन पर जाना होता है एंड ओपन द मेन्यू, और मेन्यू को जहाँ मेन्यू वहाँ लिखा आ रहा होगा वहाँ पर उसको ओपन करना होता है। और फाइव नंबर पे आपका क्लिक सेव एज, बी वेरी श्योर दैट यू डू क्लिक सेव एज एंड नॉट सेव, और आपको वहां पर जब आप क्लिक करोगे ना तो मेन्यू पे जाके तो वहां पे दो ऑप्शन आएंगे सेव के, आपको सेव एज और नॉट सेव, अगर आपको सेव करना है तो सेव कर देंगे, अगर आपको उस पिक्चर को सेव नहीं करनी है तो आप नॉट सेव कर देंगे, है ना। और सिक्स है टाइप अ नेम फॉर द कटआउट एंड क्लिक सेव, और जो भी आपने वहां अपनी पिक्चर को कट किया है उसको आप नाम भी लिख सकते हैं कुछ भी, और उसके बाद उसको सेव हो जाएगी पिक्चर, इस तरीके से आपकी वो पिक्चर सेव हो जाएगी। स्टूडेंट ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा, यहाँ पर जब आप कंप्यूटर लैब में क्या ड्राइंग करते थे तो सर ने आपको सारी चीज़ें बताई थी ना, कैसे अपनी पिक्चर्स को ड्रॉ करना है, और उसके बाद अपनी पिक्चर्स को नाम भी लिखना है, और नेम लिखने के बाद उसे क्या कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, जिससे ताकि हम नेक्स्ट टाइम अपना कुछ भी अगर हमें आ रहे हैं कंप्यूटर में देख रहे हैं तो आप फिर से उसको चेक कर सकते हैं, हाँ हमने ये वाली पिक्चर बनाई हुई थी तो हम उसे सेव कर सकते हैं, उसे दोबारा क्या कर सकते हैं देख सकते हैं अगर वो सेव होगी, अगर सेव नहीं करते हैं तो वो हमें दोबारा नहीं मिलेगी, हो सकता है वो डिलीट हो जाए, तो सेव करने से वो हमारी सिक्योर हो जाती है ना। यू विल रिटर्न टू द पेंट विंडो विद द कटआउट डिस्प्लेड इन इट, उसके बाद आप रिटर्न हो जाते हो पेंट विंडो पे जो भी आपने कटआउट करने के बाद डिस्प्ले पे। यू विल सी दैट द नेम ऑन द टाइटल बार, आप अपना देखोगे नाम लिखा हुआ ऑन द टाइटल बार, टाइटल बार इज द नेम, उस नेम के साथ यू यूज्ड जो आपने यूज किया था व्हेन सेविंग द कटआउट, जब आपने उसको सेव किया था। उसके बाद जब आप ये सारी चीजें कर लोगे, क्रॉप और एडिटिंग और नेम वगैरह लिख लोगे, तो आप क्या करोगे टाइटल बार पे जाके अपना उसे चेक भी कर सकते हो उसी नाम से जिस नाम से आपने अपनी क्रॉप हुई इमेज को क्या किया सेव किया है। यहाँ ऑप्शन आ रहा है स्टूडेंट्स रिसाइज एंड स्क्यू, मतलब रिसाइज मतलब आकार बदलना एंड तिरछा करना, स्क्यू का मतलब होता है तिरछा करना, रिसाइज मतलब उसे शेप देना आकार देना। द सेकेंड टिनी बटन, दूसरा छोटा बटन टू द राइट राइट साइड में ऑफ द लार्ज सेलेक्ट बटन, बड़ा सेलेक्ट बटन होता है विल ओपन, उसको अगर ओपन करेंगे तो द रिसाइज एंड स्क्यू डायलॉग आपको वहाँ क्या दिखाई देगा, रिसाइज एंड स्क्यू डायलॉग, स्क्यू डायलॉग आपको वो शो होगा। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा ये बटन दिख रहा है, अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑप्शन रिसाइज और स्क्यू का आपको ओपन होकर आ जाएगा, देख रहे हैं ना आप यहाँ पर स्टूडेंट्स। अब है आपका रीसाइज, रीसाइज मतलब आकार देना शेप देना उसको। यू कैन क्विकली रिसाइज एन इमेज आफ्टर सिलेक्शन, आप क्या कर सकते हो क्विकली रिसाइज कर सकते हो, रिसाइज मतलब उसको शेप दे सकते हो आकार दे सकते हो एंड एन इमेज अपनी इमेज को आफ्टर सिलेक्शन सेलेक्ट करने के बाद।
बाय ड्रैगिंग एनी ऑफ द लिटिल ब्लॉक्स और हैंडल्स ऑन द सिलेक्शन रेक्टेंगल। आप क्या कर सकते हो, जो भी आपको वहां पे उसकी जिस भी तरीके का शेप उसे करना है, आप उसे क्या सिलेक्ट कर सकते हो उस ब्लॉक को, और हैंडल ऑन द सिलेक्शन रेक्टेंगल। आप उसे एक रेक्टेंगल में जाकर बॉक्स में एक साथ जब आप उसे सिलेक्ट करोगे तो रेक्टेंगल से शो होगा, जैसे यहाँ पर आपको पिक्चर में शो हो रहा है, इस तरीके से वो सिलेक्ट हो जाएगा रेक्टेंगल की शेप में जाकर, आपको वो पूरी चीज जो आपने वो अंदर उसके बनाई है। जस्ट होवर योर कर्सर, जस्ट होवर योर कर्सर ओवर द हैंडल यू वॉन्ट टू पुल और पुश अंटिल अ डबल हेडेड एरो अपीयर। आपको होवर का मतलब होता है मंडराना, मतलब आपका जो कर्सर होता है, आपने जो जैसे मैं यहाँ एरो भी ऐसे कर रही हूँ ना, आपको दिख रहा है नहीं एरो, इस तरीके से माउस में भी एक एरो आता है, तो आप जब उसे यहाँ पर आपको डबल दिख रहा होगा, यहाँ पे जब आप उसको सिलेक्ट करोगे तो आपको जब तक डबल डबल हैंडेड एरो आपको शो नहीं होता तब तक आप उसको पुश करेंगे माउस के बटन को, देन उसके बाद आपको वो दिखाई देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रेस डाउन, उसको प्रेस करना है आपको योर माउस, अपने माउस को प्रेस डाउन करना है एंड एडजस्ट द शेप टू योर लाइकिंग, और उसको एडजस्ट करना है जिस तरीके की आप शेप उसको पसंद करना चाहते हैं। हाउएवर If you want to size adjustment to be precise, use to resize dialog box. अगर आपको अपनी पिक्चर को रिसाइज दूसरा शेप देना है तो आप रिसाइज का यूज करते हैं, which will appear when you click the resize icon. आपको ये दिखाई देगा जब आप क्या करोगे, क्लिक करोगे रिसाइज आइकन पर, ओनली द टॉप, केवल टॉप पर हाफ of this dialogue, only the top half of this dialogue is concerned with resizing. Notice the small square mark maintain aspect ratio while this is ticked. Whatever you type into the horizontal slot will be repeated beside vertical and your selection will stay exactly in proportion. Only remove the tick if you want the selection to be fatter or thinner than it is. इसमें क्या बोला है स्टूडेंट्स, आप अपनी ना अपनी पिक्चर को शेप दे सकते हो, चाहे उसे हॉरिजॉन्टल शेप दे सकते हो, वर्टिकल। देखो यहाँ आपको पिक्चर में देखिए, अपनी पिक्चर में यहाँ दिखाई दे रहा है ना, रिसाइज करने के बाद आपको ऑप्शन मिल रहा है हॉरिजॉन्टल का और वर्टिकल का, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल होता है, इस तरीके से वर्टिकल होता है, ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसे वर्टिकल। अगर आपको अपनी शेप इसके अंदर रखनी है या इसके अंदर रखनी है तो इस तरीके से आप उसे क्लिक करना होता है रिसाइज में जाकर, उस तरीके से फिर क्या होता है आपकी वो शेप का जो शेप है वो बदल जाती है, वो या तो वो ऐसे हो जाएगी या फिर वो ऐसे हो जाएगी। तो आप इसे आप क्या कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं अपना क्लिक करके, उसको टिक करना होता है आपको, तो फिर वही ऑप्शन आपको टिक करने के बाद आपको फिर वो अपनी पिक्चर उसी शेप की दिखाई देगी। तो इस तरीके से आपका रिसाइज का वर्क होता है। आपने लास्ट में देखा पीछे कि कैसे हम क्रॉप कर सकते हैं, और आगे मैंने अभी आपको दिखाया कि रिसाइज, क्रॉप और रिसाइज करने का, आई होप आप सभी को पता चल गया है। और इस तरीके से हम अपनी बहुत सारे इसमें ऑप्शंस होते हैं अलग अलग, मैंने आपको दो ऑप्शन दिखाए आज कि रिसाइज कैसे कर सकते हैं और क्रॉप कैसे कर सकते हैं। आगे हम और नेक्स्ट पार्ट में इसको कंटिन्यू करेंगे। आज आप यहीं तक अपना अच्छे से इसको समझिए और रीड आउट करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए आपकी वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। घर पे पढ़ते रहिए अपना और साथ साथ वर्क भी करते रहिए। ओके, थैंक यू।